कल आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि एसएसपी ट्रैफिक जो हैं उनसे संत समाज के जो लोग हैं वो बातचीत करना चाहते हैं, जिस तरीके से ताबड़तोड़ चलानिंग उनकी की जा रही थी, जिसको लेकर महंत राजेश गिरी जी हमारे सामने आए और उन्होंने बताया कि ये बर्दाश्त के बाहर है। अगर कोई जटादारी है, किसी ने पगड़ी बांधी हुई है, अगर आप उनके भी चलान काटेंगे तो फिर जो है संत समाज कहाँ जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने संपर्क करने का प्रयास किया एसएसपी ट्रैफिक से, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, जो निराशाजनक है, और उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आवाज़ पहुँचाने का प्रयास किया। खबर का असर इतनी जल्दी हुआ कि 8 घंटे के भीतर भीतर जो एसएसपी ट्रैफिक ने कॉल किया, संत समाज के तमाम लोग जो हैं जिन्हें लीड किया राजेश मान जी ने, और वहां पहुंचे, अपनी जो ग्रीवियंसिस थी उन्हें बताई और तुरंत एक्शन हुआ, ऑन स्पॉट एक्शन हुआ, और जो मैसेज था उसे कन्वे किया गया अपने नीचे अधिकारियों तक, और ये कहा गया कि आज के बाद कोई भी जटादारी आपको दिखता है, कोई संत समाज का कोई भी साधु आपको दिखता है जिसने सर पे पगड़ी बांधी हुई है, जो हेलमेट नहीं पहन सकता, अगर आप उसका चलान नहीं काट सकते, अगर और जिनके पहले चलान हुए हैं ये भी कहा गया है इनके द्वारा कि उनके माफ़ किए जाएंगे। हम बातचीत करेंगे महंत राजेश गिरी जी हमारे साथ हैं। महंत जी, जिस तरीके से कल खबर की थी उसका असर जो है 8 घंटे के अंदर अंदर ही हो गया और आज मैसेज कन्वे कर दिया, कैसे देखते हैं इसे? अच्छा लगा कि कम से कम प्रशासन की जो जहां तक बात जानी चाहिए थी आज गई, उन्होंने हमें बुलाया। आज हमारे पूरे संत समाज जिसमें मोहन भारती जी हमारे महंत जी हैं, करणनाथ जी जो पीर खो मंदिर को हेड कर रहे थे, बाकी सारा समाज जसमेर जंगम जी हमारे जंगम समाज से, अब आप देख रहे हैं कि जब ये सुबरूप होगा तो हेलमेट कहाँ डालना है, इनका चलान हुआ ये पगड़ी बांधते हैं, इनका चलान हुआ इनकी जटें देखो किस पे बांधेंगे डालेंगे वो अपने हेलमेट डालेंगे, तो ये बात उन्होंने भी समझी के ऊपर बात करके सारा इस विषय को संज्ञान में लाया जाएगा कि जो संत समाज के लोग हैं अगर वह जहाँ तक हमने उनको कहा है कि कोई भी साधु समाज के लोग अगर रॉन्ग पार्किंग है, बिना हेलमेट के चलते हैं, बिना लाइसेंस के चलते हैं, जहाँ ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं, तो उसके लिए हम कभी भी आपके पास नहीं आएंगे, आप अपना एक्शन करें। लेकिन जो हमारे संत समाज के लोग जो हमारे पंचदशनाम जूना अखाड़ा से पगड़ी अनिवार्य है, जो पगड़ी बांधते हैं, जटा रखते हैं, आप उनको कैसे जबरदस्ती पगड़ी बंधवाओगे? तो आज हमने उनको उनके संज्ञान में 8 चलान लाए, और 8 चलान जो थे उसमें सभी को हेलमेट का ही चलान था। तो कुछ लोग इस डिपार्टमेंट में हैं कि जो नहीं चाहते थे कि जहाँ पे ऐसा हो, तो कल हमारा जो एक प्रदर्शन था उसको आज हमने स्थगित किया, इसलिए कि जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे संज्ञान में आया है, मैं हायर अथॉरिटी को भी सूचित करके उनसे भी बात कर लेता हूँ, इसका हल निकालेंगे, और हल निकालेंगे वो वाला जो संतों को भी स्वीकार हो। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एसएसपी साहब का जिन्होंने ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनी। और दूसरे मसले हमारे जो जैसे हमारा जहाँ कृष्ण नगर समाधि मंदिर है उसके आगे पार्किंग जो ऑटो लग जाते हैं या आगे पीछे की पार्किंग है मंदिर के आगे, और तीसरी बात बड़ी बात जो आज फैसला हुआ कि पीर खो के अंदर जब दर्शन करने जाएं बाहर से जो हमारे यात्रु जाते हैं रिलीजियस टूरिज्म को वहाँ हेरिटेज हमारा देखने, तो वहाँ पे मुर्गों वाली गाड़ियाँ, चूचों वाली गाड़ियाँ, जो मीट वाली गाड़ियाँ वो साइड पे इतनी स्मेल है वहाँ खड़ी कर देते हैं, आइडल पार्किंग बना दी है। तो वो उन्होंने संज्ञान लिया और उस वक्त DTI को बोला कि वहाँ से उठाया जाए, अगर इसके बाद आय के बाद अगर कोई लगाएगा तो उसको गाड़ी भी जब्त की जाएगी, सीज की जाएगी और चलान भी किया जाएगा। कैसे देखते हैं लगातार जो है ट्रैफिक अधिकारियों की अगर बात करें, किसी न किसी तरीके से विषय में चर्चा में आ ही जाते हैं, आपने जिस तरीके से विषय लाया, जिस तरीके से हमारे साथ साधु खड़े हैं, इन्होंने जटाएं रखी हैं, आदमी पगड़ी बानी जंगम जी हमारे साथ हैं, तो ये अनिवार्य ही नहीं है कि ये हेलमेट जो है वियर कर सकें, लेकिन लगता है कि अधिकारी जैसे आपने कहा SSP साहब से मुलाकात हुई, वो अपनी ईमानदारी से आपसे बातचीत सुनी, उनको संज्ञान में आया, उन्होंने एक्शन भी लिया, लेकिन जो नीचे अधिकारी हैं कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो माहौल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस का ही रहे, ये खराब ही रहे, कहीं ना कहीं लोगों और समाज के अंदर जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की आती रहे बातें ताकि हाईलाइट होता रहे डिपार्टमेंट। ये बात हमने उनके संज्ञान में जब लाई, हमने ये भी कहा उनसे कि आप हमें बताएं कि आप कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो नीचे उन्होंने कहा जी मैं बड़ी जल्दी बैठक बुलाऊंगा इनकी सभी की, 1-2 दिन लग जाएगा सारा। तो उन्होंने तुरंत जो हमें जो डिसीजन लिया पीर खो का या बाकी, उन्होंने उस वक्त एक्शन किया और ये वाला जो है तमाम जो नाके हैं उनको सुना दिया जाएगा कि जो हमारे जटाधारी संत समाज के हमारे जो संगठन के साथ चलने वाले लोग जहाँ दूसरे लोग हैं, तो उनके लिए उन्हें डायरेक्शन दे दी कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और ये आप निश्चिंत रहें
और इसका जो संदेश जाएगा ये एक दो दिन में सारा धरातल भूमि में। चलान काटे गए हैं उनको लेकर भी कोई माफी के लिए कहा कि हमारे ये जो चलान है अब मुझे बताएं इसका क्या करना, उन्होंने हमारे से चलान ले लिए और उन्होंने कहा कि आप जाएं ये सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि वो माफ हो गया। हाँ। एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि लगातार हम आपसे जब बातचीत कर रहा हूँ तो रामलीला से जुड़े हुए मुद्दे जो है वो हम उठा रहे हैं। मैंने भी आपको दो वीडियो सुबह ही शेयर की जिसमें आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ पे जो है वो नृत्य किया जा रहा है, कौन से गाने गाए जा रहे हैं। अभी भी ये वीडियो, हालांकि ये रामलीला खत्म हो चुकी है लेकिन वीडियोज अभी वायरल ज्यादा हो रही है इस तरीके की वीडियोज। तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, देखिए एक गल तो पक्की है ना भाई, इले काम जल देंगे छोलो ना मक्खन फिर गया निकलता, दही छोल लिया इस बारी मदानी फिरी ते लोग हूँ वीडियो भेजा देने ते पहले बर्दाश्त करते हैं। थोड़े दिनें बाद सनातन समागम हो जेदे च सारे लोग आंगन, तुहानू भी विशेष रूप से निमंत्रण देंगे, तुसे आना है और तुसे दिखना है कि बड़िया चीज़ा वो ठीक होने वाली हैं। समाज के मंदिरों के अंदर भी जिहड़ी मर्यादा है वो भी कई ऐसे साढ़े कोल संज्ञान च लोगों लिया दे कि कुछ स्पीकर की आवाज़ बड़ी ज़्यादा हो जाती है, कुत जल दिखो तो उसते कोई अलग अलग जिहड़ियां आवाज़ां आंदियां उनका भी संज्ञान लेना। और दूआ कल जिहड़ा है साढ़े च 2-3 लिए 6 तरीक तक साढ़े अखंड परम धाम के जिहड़े साढ़े राम जन्म भूमि न्यास के ट्रस्टी ने परमानंद जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर आदर, उसी लिए कल प्रेस क्लब च भी असं 2 बजे एक संत श्री सुभाष शास्त्री जी महाराज जी की अध्यक्षता च एक बैठक है और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उहदे च कल आना फिर तुसें मिल गए अस। लेकिन तुहाड़ा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिहड़ा तुसें साड़ी गल जिहड़ी बार चलाई और उन्हें सुनी, होर भी 2-3 चैनल चलिया लेकिन मैं समझना कि इहदा असर जिहड़ा मैं तुहाड़े पूरे चैनल की टीम की बधाई देना चाहना और तुहानू भी कि कम से कम एक बार जिहड़ी है कि मैं पढ़ा था कि 40,000 लोगों इसी दिखी लिया तो ऐसा जिहड़ा संदेश गया वो जिदा उन्हें संज्ञान लिए इसी ठीक किया। मैं थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बढ़ाने के लिए। मंत्री जी कृषि मास्टर बातचीत कर रहे थे, मसला ये था कि जिस तरीके से साधु समाज के लोग जब 2-व्हीलर लेके सड़कों पे उतरते हैं तो हेलमेट नहीं पहनी होती तो चलान आए, चलान एक नहीं दो नहीं रिपीटेबल चलान आए, यानी कि एक नाके से निकले चलान हुआ, दूसरे नाके पर पहुंचे फिर से चलान आया और इन लोगों को जब चलान आए तो इन्होंने ये मसला जो है मां जी के सामने लाया। तो इन्होंने जो है कोशिश की कि बिना मीडिया के सामने आए जो है इस मसले को सुलझाया जाए। इन्होंने कॉल की SSP साहब को, शायद वो बिजी हो सकते हैं या उन्होंने नंबर सेव नहीं होगा, उन्होंने फोन उठाया नहीं, लेकिन फिर ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था मीडिया, मीडिया के सामने आए, मीडिया ने बात रखी, उस बात का असर जो है वो हुआ और SSP ट्रैफिक ने कॉल किया, संत समाज के तमाम जो भी नुमाइंदे हैं उन्हें बुलाया गया जो उन्हें लीड कर रहे थे और आज जब ये पहुंचे उनके पास तो इस मसले का संज्ञान लिया गया। ये कहा गया कि हम जो है एक टीम का गठन करेंगे और जो मैसेज है वो कन्वे करेंगे हायर अथॉरिटीज को, नीचे जो अथॉरिटी जो हमारे अधिकारी हैं उनके साथ भी एक बैठक की जाएगी जिनको ये मैसेज कन्वे किया जाएगा कि अगर ऐसे लोग आपको दिखें आप उनका चलान ना काटें आप, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी होता है कहीं ना कहीं उस पर भी जो है फैसले कभी ना कभी लिए जाते हैं। और इसके अलावा जो दो और विषय जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पीरखू के बाहर जिस तरीके से गाड़ियां लगती हैं वो विषय तुरंत जो है वो सॉल्व किया, एक दो विषय और था जिससे ऑन स्पॉट रिजॉल्व किया गया और ये मसला जो था चलान का, चलान जो हुए हैं उनको माफ किया जाएगा ये कहा गया, आश्वासन दिया गया और इस मसले पर भी 2-3 दिन में जल्द से जल्द कोई परिणाम जो है वो हमारे सामने होगा। तिरोरा के साथ शुभम लंगे न्यूज 19 के लिए, जय हिंद, ओम नमः पार्वती पते हरे।